हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसमें अगर हम 2000 रुपये हर महीने जमा करवाते हैं तो हमें आजीवन 4.5 लाख रुपये सालाना मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। कम उम्र से ही बचत के बड़े फ़ायदे हैं। अगर आप समझदारी से कम रकम के साथ भी बचत करना शुरू कर दें तो आपका भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित हो सकता है। हम ऐसे विकल्प के बारे में बता रहे हैं जहां आप अगर सिर्फ 2000 रुपये महीने जमा करें तो आगे चलकर आपको आजीवन 4.5 लाख रुपये सालाना मिलते रहेंगे। वहीं अगर महीने के आधार पर देखें तो आजीवन हर महीने आपको 38000 रुपये से ज़्यादा मिलेगा। यह योजना सरकार की है, ऐसे में यह आपके भविष्य के लिए बेहतर प्लानिंग हो सकती है। इस योजना में 18 साल से 60 साल की उम्र वर्ग का कोई भी शामिल हो सकता है। क्या है यह योजना? फ्यूचर प्लानिंग के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम तक बेहतर विकल्प बन चुका है। इस स्कीम को भारत सरकार ने 1 जनवरी 2004 को लॉन्च किया था। सरकारी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी जिसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच है, उसकी अपनी मर्जी से इस योजना में शामिल हो सकता है। 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। अच्छी बात है कि इस योजना को 500 रुपये महीने के निवेश के साथ शुरू कर सकते हैं। वहीं निवेश की अधिकतम रकम कुछ भी हो सकती है। कैसे मिलेगा फ़ायदा? ज़्यादातर लोग 25 की उम्र में इस स्थिति में आ जाते हैं कि वह मंथली कुछ न कुछ निवेश कर सके। ऐसे में हमने इसके लिए 25 साल का दायरा चुना है जहां से इसमें निवेश करना है। योजना में आपको तब तक निवेश करना है जब तक आपकी उम्र 60 साल हो जाए। इसे ऐसे समझ सकते हैं, उम्र 25 साल निवेश की अवधि, 35 साल मंथली निवेश 2000 रुपये, कुल निवेश 8.4 लाख रुपये, अनुमानित रिटर्न 10%, कुल फंड 76.56 लाख, एन्यूटी के लिए रकम 100%, अनुमानित एन्यूटी रेट 6%, मंथली पेंशन 38283 रुपये, सालाना पेंशन 4.5 लाख रुपये। 45 लाख निकालने का भी विकल्प। स्कीम के तहत जितना फंड 60 साल में तैयार होता है इसके 40% फंड का ही एन्यूटी खरीदना जरूरी होता है। बाकी की रकम आप कुछ स्टेप में ले भी सकते हैं। ऐसे में आप ऊपर दिए गए निवेश के आधार पर 60 साल की उम्र में पैसा निकालना चाहे तो आपको 45 लाख रुपए मिल जाएंगे। बाकी रकम की आप एन्यूटी खरीद सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद आपकी मंथली पेंशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, यह इस बात पर तय करता है कि आप एन्यूटी में कितना रकम लगाते हैं। जितने ज़्यादा की एन्यूटी होगी उतनी ज़्यादा पेंशन होगी। मौत होने पर नॉमिनी को पूरी पेंशन की रकम दे दी जाती है। कहाँ इन्वेस्ट होता है पैसा? इसमें रकम इक्विटी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड और फिक्स्ड इनकम देने वाले इंस्ट्रूमेंट में लगता है। आपके पास विकल्प होते हैं कि कहाँ पैसा लगेगा। अकाउंट खुलवाना है आसान। सरकार ने देश भर में पॉइंट ऑफ प्रेजेंस POP बनाई है जिसमें NPS अकाउंट खुलवाया जा सकता है। देश के लगभग सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों को POP बनाया गया है, इसलिए किसी भी बैंक की नज़दीकी ब्रांच में अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत, पूरा भरा गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो बैंक से मिलेगा, एक एड्रेस प्रूफ, एक आइडेंटिटी प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं का सर्टिफिकेट। दो तरह के अकाउंट, इस योजना में दो तरह के अकाउंट होते हैं। Tier 1 अकाउंट, इस अकाउंट को खुलवाना अनिवार्य है। इस अकाउंट में जो भी रकम जमा कर रहे हैं उसे 60 की उम्र के पहले नहीं निकाल सकते। जब आप स्कीम से बाहर जाएंगे तब ही इसकी रकम आप निकाल सकते हैं। Tier 2 अकाउंट, कोई भी Tier 1 अकाउंट होल्डर इस अकाउंट को खोल सकता है और अपनी इच्छा से इसमें पैसा जमा कर सकता है और निकाल भी सकता है। इस अकाउंट सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, यह आपकी इच्छा पर निर्भर है। नोट, Tier 1 अकाउंट में कम से कम 500 रुपये और Tier 2 में कम से कम 1000 रुपये जमा कराने होंगे। अधिकतम रकम की कोई सीमा नहीं है। जो भी पैसा इन अकाउंट में आप जमा करते हैं उन्हें निवेश करने का जिम्मा PFRDA
द्वारा रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर का होता है। आप अपना फंड मैनेजर अपनी इच्छा से चुन सकते हैं और उसे बदल भी सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड हमसे कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालकर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।